थरपारकर का जिक्र सिंध के पसमांदा इलाके के तौर पर होता है, क्योंकि थरपारकर पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर का इलाका है। सिंध में टोटल 30 अजला हैं, जिनमें थरपारकर एरिया के लिहाज से सिंध का सबसे बड़ा जिला है। थरपारकर दो लफ्जों से मिलकर बना है, जिसमें थर यानी थल, जिसे रेतीले टीले, और पारकर यानी बड़े बड़े रेतीले टीलों को पार करने वाली जगह। थरपारकर दुनिया का 18वां बड़ा सहरा है। थरपारकर बहुत ही अजीब तरह का सहरा है, क्योंकि हजारों साल पुराना दरिया सरस्वती यह सहरा पी चुका है, यानी अब उसके निशानात मौजूद हैं, लेकिन बगैर पानी के। थरपारकर में 41% हिंदू कम्युनिटी आबाद है, जिसकी वजह से यहाँ के मशहूर और तारीखी मकामात का ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है। थरपारकर की 7 तहसीलें हैं, जिनमें मिट्टी, चाचड़ो, कलोई, दहली, डिप्लो, इस्लामकोट और नगर पारकर शामिल हैं। तारीखी तौर पर यहाँ टालपुरों की हुकूमत थी, फिर 1843 में अंग्रेजों ने टालपुर सल्तनत खत्म की और सिंध पर जब कब्जा किया तो इसे हैदराबाद कलेक्टरेट का हिस्सा बनाया। थरपारकर को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस 1882 में मिला। थरपारकर के मशहूर लोगों में सबसे ऊपर माई बागी हैं, जिनको थरपारकर की कोयल भी कहा जाता है, उनकी खूबसूरत आवाज़ की वजह से। उसके बाद रायचंद राठौड़, जो कि अदीब और हिस्टोरियन हैं। थरपारकर के मशहूर खानों में सबसे ऊपर बाजरे का भत है, उसके अलावा चिबड़ और सिंगड़ियों का साग शामिल है। आज की वीडियो में हम आपको थरपारकर की 10 मशहूर और तारीखी जगहों के बारे में बताएंगे। उससे पहले, अगर आपने तनवीर राजपूत टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, करुंझर माउंटेन। ये पहाड़ नगर पारकर में वाके है। इस पहाड़ी पर ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल और चाइना क्ले बहुत भारी मिकदार में मौजूद है। करुंझर के पहाड़ 19 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और उनकी ऊंचाई तकरीबन 305 मीटर तक है। करुंझर पहाड़ी का जिक्र सिंधी और गुजराती शायरों ने भी अपनी शायरी में किया हुआ है। नंबर 2, बुढ़ेसर मस्जिद। बुढ़ेसर में सफेद सतूनों वाली यह मस्जिद तालाब के करीब संगमरमर और चूने के पत्थर का एक छोटा सा ढांचा है, जो 1436 ईस्वी में तामिर किया गया था। इस मस्जिद को गुजरात के हुक्मरान महमूद शाह बिन जफर शाह ने तामिर करवाया था। यह मस्जिद नगर पारकर शहर से 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। नंबर 3, बुढ़ेसर टेम्पल्स। करुंझर पहाड़ियों के दामन के करीब और बुढ़ेसर मस्जिद के जनूब में 3 जैन मंदिर वाक़ हैं, जो एक दूसरे से छोटे अगरचा खुरदरे मैदान से अलग हैं। यह ख्याल किया जाता है कि ये ढांचे 1375 और 1449 में बनाए गए थे। यहाँ पे कुल 3 मंदिर हैं। पहला मंदिर छोटा सा है, इसकी मशरक़ की जानिब सामने की चौड़ाई 8.5 मीटर और शुमाल और जनूब की तरफ दीवारों के साथ लंबाई 7.8 मीटर है। ये एक अहाते की दीवार के अंदर खड़ा है, जिसकी ऊंचाई 1 मीटर से थोड़ी कम है और मकामी ग्रेनाइट पत्थर में मलबे की चुनाई की गई है। यहाँ पे मौजूद दूसरा मंदिर बुढ़ेसर ग्रुप का सबसे बड़ा मंदिर है। ये एक प्लेटफॉर्म पर तकरीबन 1 मीटर ऊंचा और सामने की तरफ 120 फीट चौड़ा खड़ा है। ये टेम्पल इस इलाके के बिल्कुल सेंटर में बनाया गया है, ताकि बड़ी मजहबी रसूमात यहीं पे अदा की जाए। बुढ़ेसर का तीसरा मंदिर मंडपा नामी एक खुले हाल पर मुश्तमिल है, जिसका दरमियानी चैम्बर आरसी मंडपा के नाम से जाना जाता है। मनसूबा बंदी और तामीर में दीवार के अलावा ये मंदिर पहले मंदिर की तरह है, जिसका पहले जिक्र किया जा चुका है। नंबर 4, गौरी टेम्पल। ये अपने इंतहाई खूबसूरत आर्किटेक्चर की वजह से बहुत मशहूर है, जिसमें जोधपुरी स्टोन और प्योर मार्बल लगा हुआ है। गौरी टेम्पल विरावा के नॉर्थ में 22 किलोमीटर दूर मौजूद है। नंबर 5, चोरियो जबल। इस पहाड़ी पर हिंदू मंदिर मौजूद है, जिसकी वजह से हर साल 2 लाख के करीब हिंदू यात्रा के लिए यहाँ पर तशरीफ लाते हैं। चोरियो पहाड़ी पर मल्टी कलर के ग्रेनाइट भी मौजूद हैं, जिनको माइनिंग के जरिए निकाला जाता है, क्योंकि ये महंगे मिनरल्स शुमार किए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मौजूद हिंदू टेम्पल्स को खतरा लाहक रहता है। नंबर 6, नॉकआउट फोर्ट। नॉकआउट को थरपारकर का गेटवे भी कहा जाता है। यह फोर्ट 1814 में कायम किया गया था। मीर करम अली खान टालपुर ने इसकी बुनियाद रखी थी। इस इलाके को सहराए थर का दरवाजा भी कहा जाता है। इस किले का मकसद राजपूतों से हिफाजत करना था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पे कब्जा कर लिया और इसका खूब इस्तेमाल किया अपने हेड ऑफिस के तौर पर, और जनरल चार्ल्स यहाँ के इंचार्ज थे। नॉकआउट फोर्ट नगर पारकर से 15 किलोमीटर दूर है और सारा का सारा मार्बल से बना हुआ है।
यह किला एक अनोखे तरह से तामीर किया गया था, क्योंकि इसकी तामीर में सिर्फ ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, जबकि लकड़ी और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। नौकोट किले की दीवारें 113 मीटर लंबी जबकि 98 मीटर चौड़ी हैं। आप जब भी थरपारकर जाएं तो नौकोट फोर्ट को जरूर विजिट करें। नंबर 7, विरावा टेंपल। विरावा नगर पारकर शहर से तकरीबन 24 किलोमीटर शुमाल में पारी नगर की तबाहशुदा बाकियात के करीब खड़ा है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि यह एक कदीम बंदरगाह थी, जिसे या तो 2226 में दिल्ली के शहनशाह की फौजों ने तबाह कर दिया था या फिर जलजले से तबाह हो गई। यह मुकम्मल तौर पर सफ़ेद संगमरमर में बनाया गया है और खुदी हुई कैपिटल के साथ सतूनों के एक खुले ग्रुप पर मुश्तमिल है। इमारतों की बाकियात, जिनका यह वाहिद ढांचा एक हिस्सा बन सकता था, अब भी आसपास में मौजूद है। यह पत्थर अब कराची के नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान में रखा गया है। नंबर 8, मारवी वेल। मारवी के कुएं का मकाम शुमाल में नंगर शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर और विरावा गांव से 10 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। उमर मारवी एक सिंधी लोक मोहब्बत की कहानी है, शाजो रसालों में भी इसका जिक्र है। मारवी एक सिंधी हीरोइन थी जो अपनी उफ्त, मुगल वतनी और सादगी के लिए मशहूर थी। नंबर 9, जैन टेम्पल। नगर पारकर का जैन मंदिर शहर के मरकजी बाजार के मगरिब सिरे पर वाक़ है। मंदिर का असल नाम मालूम नहीं है, लेकिन बाजार के करीब होने की वजह से इसे मकामी लोग बाजार मंदिर कहते हैं। गौरी के जैन मंदिर की तरह नगर पारकर के मकाम को माजी में जैन मजहब का एक खुशहाल मरकज समझा जाता था। तामीर की तारीख का तायन नहीं किया जा सका, लेकिन मंदिर की इमारत कम से कम 500 साल पुरानी है और ये 14वीं सदी ईस्वी की हो सकती है। नंबर 10, मिठी डेजर्ट। मिठी जिला थरपारकर की एक तहसील है जिसका ज्यादातर रकबा सहरा है। मिठी वो इलाका है जहां दुनिया का वाहिद जरखेज सहरा मौजूद है और रेत के टीलों के बंजर खित्तों पर मुश्तमिल है, जो कांटेदार झाड़ियों से ढके हुए हैं। मिठी 1990 में थरपारकर का हेडक्वार्टर बना। मिठी पाकिस्तान के उन इलाकों में से एक है जहां मुसलमान बहुत कम तादाद में रहते हैं। ये थे थरपारकर के 10 तारीखी और दिलकश मकामात। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें, और तनवीर राजपूत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।